हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टुडेज रेसिपी इज़ चिकन पकोड़ा और ये कैसे बनता है और किस तरह से इसकी इंग्रेडिएंट्स इन्ग्रीडियंट लेट्स हैव अ लुक सबसे पहले जी मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन आप किसी भी फॉर्म में इसको ले लें क्यूबिक फॉर्म में ले लें लंबे फॉर्म में ले लें जिस भी फॉर्म में आपको पसंद है ये मेरे पास रैंडम चिकन था मैंने उसकी आ, कुछ इस तरह से बोनलेस कर लिया है और अब मैं इसमें क्या डालने लगी हूँ जी क्या क्या इंग्रीडियंट्स है वाइट पेपर है मेरे पास जो मैं इसमें डाल रही हूँ ठीक है इस तरह से अंदाजे से डाल रही हूँ नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ जी क्यूमिन यानी ज़ीरा ये ज़ीरा मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसके बाद आ, मैं इसमें क्या एडिशन कर रही हूँ ये है जी सूखा धनिया ड्राई खोरी अंडर जिसको हुआ ये मैंने ऐड कर दिया ठीक है अब जी नेक्स्ट इसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ रेड चिली रेड चिली पाउडर थोड़ा सा वो ऐड कर दिया ठीक है ये है जी ब्लैक पेपर ये ऐड कर दिया थोड़ा सा सारे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में एड करिए आप देख रहे हैं कितना है इसकी क्वांटिटी टी स्पून से भी कम ठीक है हाफ टी स्पून में अब ये सॉल्ट है ये डाल रही हूँ मैं इसके बाद इसमें मैंने क्या डाला है जी अब नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट जो इसमें जा रहा है दैट इज रेड चिली फ्लेक्स ये जा रहा है बीच में सारा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपने इसको डालना है और फिर इसको मैरिनेट करना है अब इसमें क्या एडिशन? लिक्विड किस चीज का एडिशन होगा इसमें जी जाएगा सोया सॉस इसके बाद जी इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लिक्विड जो जाएगा दैट इज विनेगर। ये विनेगर आपने ऐड कर दिया ठीक है जी अब इसके बाद आपने इसको सबको मिक्स करके सब मसालों को मैरिनेट कर देना है इस चिकन को और तकरीबन वन तो टू टू आवर के लिए आपने इसको मैरिनेट में ही रहने देना है फर्दर नेक्स्ट प्रोसीडिंग के लिए ठीक है आपने इसको मैरिनेट कर दिया अब इसी तरह डिप कर दें उसके बाद आप इसको साइड पर कर दें ओके बट नहीं 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 सॉरी आई हैवे गॉट वन इंग्रेडिएंट जो कि इसमें जाएगा दैट इज जिंजर गार्लिक पेस्ट ये भी इसमें ऐड करना है ठीक है ये आपने एक टी स्पून के करीब आपने इसमें ऐड कर दिया उसको मैरिनेट करके साइड पर कर दिया दूसरी साइड पर आपने क्या करना है जो एक बाउल लेना है उसमें आपने बेसन लेना है इस तरह से आपने बेसन ले लिया जो कि हम कोटिंग करेंगे चिकन की उसके ऊपर और फिर उसको हम फ्राई करेंगे इसमें मैंने सॉल्ट डाला है थोड़ा सा ठीक है और मैंने इसमें डाला है रेड चिली पाउडर ये दो इंग्रेडिएंट्स आप इसमें डालेंगे उसके बाद आ, आ, अब जी आपने ये इस तरह से दो मसाले ऐड कर दिए अब आप इसको अच्छी तरीके से इसमें थोड़ा सा मैंने डालिया है अजवाइन जो डाइजेस्ट होने के लिए कि आप ज़्यादा नहीं करें अब इसको आपने इसी तरह से बैटर को मिक्स कर दिया ये जी मेरीनेशन वाला सारा चिकन पड़ा हुआ है हमारे पास अब आपने क्या करना है एक फ्राइंग पैन लेना है उसमें आपने ऑयल को गर्म करना है हीटप होने दें ऑयल हीटअप हो रहा है अब आप उसमें ये चिकन को एक पीस पकड़ें उसको बेसन में डिप करें ठीक है लाइट लाइट सी कोटिंग उस पर करें एंड देन इसको आप फ्राइट पैन में डाल दें गरम ऑयल में आप उसको डाल दें और उसको पकने दें इसी तरह से आप बाकी चिकन को भी डाल दें इसको आप कढ़ाई में नहीं कर सकते आपने इसको इसी तरह करना वरना सारा जो है बेसन वो फैल जाएगा ठीक है इस तरह से ये फ्राई हो गया आप इसको टर्न कर लें और आपका चिकन पकौड़ा है यमी चिकन पकौड़ा रेडी इट इज़ वेरी टेस्टी वेरी जूसी वेरी स्पाइसी और बहुत मज़े का लगता है ये आप स्नैक्स वगैरह में चाय के साथ आप ऐड कर सकते हैं ठीक हो गया ये मैंने सारा ड्रेन कर दिया ऑयल अब मैं इसको एक प्लेट में डिश आउट रही हूं दैट इज माय चिकन पकोड़ा ये आप भी ट्राई करें जरूर और इसको जरूर खाएं ये आपने मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है अदरवाइज चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा ठीक है इसको टेंडर होना है बाहर से वरना ब्राउन हो जाएगा जल्दी प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोनियो बाय